हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती आप लोग भी ठीक हैं। आज मैं बना रही पाव भाजी बच्चों लोग के लिए सुबह का नाश्ता, इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको पाव भाजी में क्या क्या रखी हूँ। पाव भाजी में ये शिमला मिर्च ली है थोड़ी सी, ये टमाटर है, ये प्याज है, ये थोड़ा सा अदरक है, घिस लियो। ये सब्जी बॉयल कर लियो, ये सब्जी है, सब सब्जी बॉयल कर लियो। आलू मटर गोभी गाजर थोड़ा ही ली हूँ, इसलिए कि फर्स्ट बार मैं बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनता है। ये ऑयल डाल दी हूँ कढ़ाई में गरम करने के लिए, ये बटर है, अब बटर डालूँगी। ये सीमा उधर से हंस भी रही है, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ बताओ बटर क्यों हंस रही सीमा? थोड़ी सी जीरा डाल दी हूँ, कैसी बनती है पता नहीं, टेस्ट करूँगी कैसी बनेगी, अभी तो बना रही हूँ। और डाल दी हूँ, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही ब्राउन करना है। इसमें थोड़ा सी पेस्ट डाल दी हूँ अदरक लहसुन का, ये शिमला मिर्च डाल दी हूँ थोड़ा सी सॉफ्ट होने के लिए। सॉफ्ट होने के बाद टमाटर डालूँगी, ये रही टमाटर, इसमें मैं टमाटर डाल दी हूँ। थोड़ी देर बाद अब सब्ज़ी डालूँगी, सब्ज़ी डाल दी हूँ। आप पाव भाजी का मसाला अब इसमें मिक्स करूँगी, ये मिक्स कर दो चम्मच, छोटी चमची से। बटर पहले भी डाल चुके हैं, अब बटर थोड़ी सी डाल दिए, थोड़ा स्वाद आए। ये पैकेट है पाव है, मैंने आपको कल रात में भी दिखाई थी, जो लेकर आई थी मार्केट से। देखो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आया ना बेबी शमा ब्लॉग। तो देखिए मम्मी पाव सेक रही हैं, ये देखिए, और यहाँ पे भाजी बन गई है। ये देखिए पाव भाजी बन गई गरम गरम रेडी। हाँ, और देखिए अनाया क्या करती है। अनाया पाव भाजी खाओगी? ओ, ये पूरा पाव सिक गया है, अब मम्मी इसमें प्लेट में निकालनी है ना मम्मी। देखिए, हाँ खाऊंगा। अरे भाजी पाव भाजी डैडी को दे दूँ? हाथ में देखो क्या हो गया। नहीं डैडी को दे दूँ, देखो हाथ में, जल्दी आओ। यम्मी लगा? वो तो यम्मी है। अयान खाओ, अन्ना खाओ, अयान अभी खा लो, अन्नु खाओ, यम्मी है, बहुत टेस्टी, मम्मी ने बनाया है ना अयान है? बस आया, बस शर्माता है, मन रहेगा ना बनाने का, खुद वीडियो तो खुद बनाएगा अपने से। कैसा है? कैसा लगा? ठीक है, अच्छा है, यम्मी है ना। अब अनु खा खिलाती हूँ अनाया। ये तो लड़की कुछ है, बस जीन्स पीछे इसका एक ही स्टाइल है अनु का। अयान खा लिया, अब मैं खा रही हूँ, बिस्मिल्लाह कर रही हूँ, आप भी बिस्मिल्लाह करिए। देखिए कैसा पिमा खा रहा है सब्जी फैला के, ऐसे बच्चे की तरह फैलाते हैं सब्जी कोई। हाँ, अनु नहीं खाया, अनु को बोल रही हूँ खाने के लिए, नहीं खाया। अयान खा लिया, अयान के डैडी भी खा लिया, खा के लेट गया आराम से। मैं बिस्मिल्लाह कर रही हूँ, आप भी बिस्मिल्लाह करिए। आउटफिट निकाल लिए, यही पहन के मैं बलीमा में जाऊँगी आधे घंटे में। और चलो मैं आप बच्चों को दिखाती हूँ, बच्चे कितने परेशान कर रहे हैं। कहाँ अनाया, कहाँ? देखो ये रूम का क्या हाल बना के रख दिया, इतना मतलब रूम कितना सही भी कर लूँ ना तो रूम को बहुत गंदा, मतलब पूरा फैलावा कर देती है रूम में, दोनों बच्चे हरकतें करते हैं। और मैंने हटो, ये अन्नू का आउटफिट है ऑलरेडी, वो पहले मामा के बड़ी में पहन चुकी है तो ये पहन के जाएगी। ये मोना का आउटफिट, ये पहन के जाएगी लहंगा, क्रॉप टॉप है तो देख सकते पहन के जाएंगी। अनाया का मस्ती देख, अनाया इतना परेशान करती है ना कि क्या बताऊँ मैं। अनु तैयार हो गए हैं बलीमा में जाने के लिए, देख सकते हैं। अयान भी तैयार हो गया है ना, आयो मजा आ रहा है जाने में। हाँ देखिए, अब घर इतने फैलावे हो जाते क्या बताऊँ मैं, पूरा घर फैल। अनु भी तैयार हो गया, अनु लहंगा पहन के गई, और मैं भी मेरा आउटफिट देखिए, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। ये आउटफिट है ब्लैक, देखिए चलो अनु। हाँ ये एकदम इतनी जल्दी, मेरा दुपट्टा कहाँ गया ब्लैक वाला? आया ब्लैक दुपट्टा मेरा, तैयार हो गए पूरा रूम फैला हुआ है मेकअप से, देख रहे होंगे।
जल्दी जाओ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ओके। सीमा तैयार हो गई है, मुझे गाड़ी चलाने में तो नहीं होगा, लहंगा पहन के। सीमा का आउटफिट ये अनु जा रही है। मैं तैयार हो गई हूँ, आप देख रहे होंगे मैं भाई की वलीमा वाली ड्रेस पहनी हूँ। आउटफिट कैसा लग रहा है? अनु आयान सब चला गया, मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, आयान के डैडी आएंगे लेने के लिए। आयान के डैडी आ गए लेने के लिए, अब मैं जा रही हूँ। अनु दुपट्टा भी छोड़ गई है, लेके जा रही हूँ, अब लॉक लगाऊंगी जाऊंगी। आयान के डैडी मुझे गाड़ी से ले जा रहे हैं, बहुत सर्दी भी लग रही है। इनके बच्चे दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, चाउमीन खा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा चाउमीन, इसीलिए मैं नहीं ले रही हूँ। सीमा खा रही है, आपको दिखा रही हूँ मैं यहाँ का कैसा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। दही बाला खा रही है, अभी तक हमारा चाउमीन खत्म नहीं हुआ, हो गया। मुझे कुछ भी नहीं है स्टॉल में, अच्छा लगा सिर्फ एक दही वाला बस। और से हाँ ये ले सीमा, दही वाला खा रही, मेरा कैमरा भी गंदा हो गया और टेस्टिंग। मैं तो चाउमीन नहीं खा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं स्टॉल में कुछ भी नहीं ली। अनु खेल रही है,
ब्लॉग बना रहे हैं। अच्छा ब्लॉग बना रहे हो। वेलकम बेटा। ले लियन। आई जाओ ये सेल्फी लेते हैं। ब्लॉग बना रहे हैं। हेलो गाइस ये रुबीना है, ये मेरी आयजा है। कितनी प्यारी है, क्यूट है। मेरा नाम बताना क्या है? आयजा है। कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? सेकंड। वो बहुत प्यारी है, अनु की फ्रेंड है। पहले भी आती थी। ये रूबीना है, ब्लॉग बनाने में। आयजा के पापा हैं, ये आयजा की मम्मी है। अभी मैं आयजा को दिखाई थी थोड़ी देर पहले। हाय गाइस, गुन्नू बोलो। हाय, अन्नु की फ्रेंड है गुन्नू। ये रही अन्नु, वो है ना नेल सोलो चलता। अब मैं थोड़ी देर में घर जाऊंगी। अभी सब मिलके ब्लॉग शूट कर रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ रील। अन्नु ये देख रहे हैं, अन्नु एकदम मचा रही है। वीडियो जरा पकड़ लो, हम नहीं इनको घुमाएंगे गोल गोल गोल। ये बहुत अच्छी है यार, ऐसी तो वीडियो चलेंगे। सीमा देख रहे हैं, सीमा अपना काम कर रही है रील का। रूबीना बोल रही है मुझे रील्स बनाने के लिए, इसीलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलूंगी आपको। ओके, अन्नु फ्रूट लेने जा रही, कुछ भी नहीं खाई है अनाया, कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्रूट खाई है। मैं थोड़ी सी खाई, फ्रूट मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं ली फ्रूट। इधर बैठे हुए आपको देश स्टेज पे पहले भी दिखा चुकी है। अन्नु फ्लावर लेने के लिए परेशान हो रही है। इधर यार, ये रहा अभी तक सीमा का रील, रील बनाया नहीं हुआ अभी तक। अब मैं घर जा रही हूँ। क्या दिखा, वाओ, चलो चले। मैं जा रही हूँ घर फूल फैला के। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज।